स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके बाय ट्रिक GBT जीके बाय ट्रिक। चलिए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस न्यू चैनल में। आज से हम ऐसे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में समझिए कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ये लगभग सभी स्टूडेंट के साथ होता है। इस क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है कहाँ पे कोई दिक्कत होता है, कहाँ पे स्टूडेंट फंसता है। और यकीन मानिए, यदि आपने इस तरह के डाउट्स को, छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर कर लिया, तो आपका स्कोर बूस्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन, मैं जानता हूँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट के साथ दिक्कत करता होगा, कन्फ्यूजन पॉइंट है। ये चैनल खास करके इसीलिए बनाया गया है जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। ऐसे क्वेश्चन को जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है उसका सोल्यूशन ट्रिक्स के साथ दिया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें केवल जीके का ट्रिक ही दिया जाएगा, रीजनिंग का, लॉजिकल ट्रिक जितना मैथ्स का होगा, जो भी होगा, जो करंट अफेयर हो या फिर आपके स्टडी से रिलेटेड जो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, सारे डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो भी डाउट हो सारा को लिख। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कौन 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, ऐसे पूछ देगा, या ये पूछेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर कौन अधिक होता है, या घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, या फिर आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। ऑप्शन में ये रहेगा। अब आज यदि आपका कन्फ्यूज़न था आज तक, तो आज के बाद ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न पॉइंट है जो आयतन होगा कि घनत्व होगा, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं और जल्दबाजी में या कन्फ्यूज़न में गलत टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मार्क को बूस्ट करता है, जो सिलेक्शन की ओर ले जाता है। तो आज हम बताएंगे और कि गारंटी देते हैं कि आज के बाद ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। चलिए सबसे पहले हम एक पॉइंट बताएंगे, उसी से क्लियर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। हम ऐसे ग्राफ खींचे, ऐसे खींचे, ठीक है। अब हम घर जो बनाते हैं, घर घर क्या करते हैं, घर बनाते हैं ऐसे, बनाते हैं घर ऐसे उठा रहता है, ठीक है। घर ऊंचा होता है, ऊंचा होता है ना, घर ऊंचा होता है। तो बस इतना हमको याद रखना है, घर जो होता है ऊंचा होता है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, जी मैक्सिमम कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पे इतना रहेगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, फिर घटेगा, ऐसे करके घटेगा। तो घनत्व कहाँ अधिक होगा, ये घनत्व घाव से, देखो घाव से घर होता है, घाव से घनत्व होता है, क्या होता है, घनत्व होता है, याद रखो। घाव से घनत्व, घर कैसे बनता है, घर बनता है ऐसे, घर बनता है ऐसे। तो घर कहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे ऊंचा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व। तो अब क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन पॉइंट नहीं रहा होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिक होता है, क्या अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिक होता है। अब ठीक इसका उल्टा आयतन होता है, हमें ऐसे याद रखना है, आयतन का ग्राफ ये है, मतलब आयतन। अब सबसे ये पूछेगा घनत्व के बारे में, देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बताते हैं, घनत्व पूछेगा एक घनत्व कब से कब तक बढ़ता है। तो देखिए पहले यहाँ है, फिर बढ़ा 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 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता गया, तो उसके बाद नीचे क्या हुआ, वो नीचे घटता गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है, तीनों क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएगा। तो घनत्व हमको पूरा विश्वास है कि आज के बाद ये कोई ट्रिक के साथ आप कभी भी नहीं भूलोगे, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। घनत्व घर जो होता है, घर ऊँचा कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, घनत्व ऐसे घर ऐसे बनता है, ठीक है। जब घर ऐसे बन गया तो हमको याद है, तो आयतन इसका उल्टा कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, तो आयतन क्या होगा, आयतन पहले 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे कितना, तो 4 डिग्री पे आयतन, यहाँ पे देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन निम्न हो, मतलब कम होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे 4 डिग्री के बाद आयतन बढ़ता है, आयतन कब बढ़ता है, 4 डिग्री के बाद आयतन बढ़ता है, 4 डिग्री से पहले भी बढ़ा रहता है, 4 डिग्री पे आयतन निम्नतम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व कितना होता है, अधिकतम होता है घनत्व, देखो, ठीक है। आशा करता हूँ कि कन्फ्यूजन पॉइंट दूर हो गया होगा। आज के बाद आपका
कोई कन्फ्यूजन पॉइंट नहीं रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन पॉइंट नहीं समझ पाए। सिंपल सी याद रखना, ये होता है घर, ठीक है। हम ग्राफ सब लोग पढ़ चुके हैं, इधर देखिए वो जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। तो घर ऐसे बनता है, घर ऐसे कहीं देखे किसी को नीचे में है, नहीं, घर ऐसे बनता है। तो घर मैक्सिमम कहाँ पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 बीच में रहता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे घर अधिक होता है यानी मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब घ से घनत्व होता है, घ से घर होता है, बस इतना ही याद रखना है। घ से घनत्व, घ से घर याद रखनी है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा घनत्व, और घनत्व कहाँ से, 0 से बढ़ेगा, 4 तक मैक्सिमम होगा, उसके बाद 4 से फिर घटेगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और ठीक इसका उल्टा आयतन होगा, बस कुछ नहीं करना है, आयतन ठीक इसका उल्टा होगा, 0 पे मैक्सिमम, ऐसे करके ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस पे पूछता है मैक्स क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बनता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन निम्नतम होता है और घनत्व घनत्व अधिक होता है, ठीक है। कैसे कब तक घटता है, पहले घनत्व क्या होता है, घनत्व घनत्व ऐसे याद रखो, घनत्व 0 डिग्री से पहले बढ़ता है घनत्व, ये घर वाला हुआ, बढ़ता गया और फिर 4 पे मैक्सिमम हुआ, फिर 4 के बाद घनत्व घटा। फिर आयतन के बारे में पूछे तो आयतन 0 से मैक्सिमम होता होता 4 पे न्यूनतम होता है, फिर 4 के बाद फिर घनत्व आयतन बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा। आज हम शाम में एक और ट्रिक बताएंगे रीजनिंग से संबंधित, जो कथन पूर्वधारणा होता है, बस इतना मज़ेदार ट्रिक है, आपके पास सब्सक्राइब कर लो, देख लेना, मज़ा आ जाएगा। बस आपसे निवेदन है इसे सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, थैंक यू। आज इंटरनेशनल टाइगर डे भी है, सेव द नेशन प्राइड, इसका थीम था, चलिए ये भी कवर हो गया आपका एक, थैंक यू, धन्यवाद।